हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी का हार्दिक और स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो जैसा कि कल मैंने संस्कृत भाग एक का पेपर सॉल्व किया था, उसके बाद अब आज आगे चलते हैं संस्कृत भाग दो। इसमें आपको 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे और मैं सभी को हल और व्याख्या सहित बताऊँगा। और ये सभी जितने भी क्वेश्चन हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछेगा, खासकर टेट यूपी टेट में। तो आइए दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 शुरू हो रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 90 तक जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है क्रीडनकम, एक मिनट, हाँ, क्रीडनकम शब्द का अभिप्राय। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है क्रीडनकम शब्द का अभिप्राय। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, क्रीड़ा क्रीड़ा मतलब होता है खेलना, लेकिन यहाँ पर दिया गया क्रीडनकम शब्द का अभिप्राय है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिया गया ए खेल, बी खेलना, सी खेल का मैदान और डी खिलौना। तो आपका जो सही ऑप्शन हो क्रीडनकम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी यानी खिलौना आपका ये सही विकल्प है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है आश्रम वटाश्व निम्बकाशोका मलक वृक्ष आसन वाक्य में उल्लिखित वृक्षों की संख्या है। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें आश्रमिक मतलब हो जाएगा आश्रम, लेकिन इसमें अगर हम आगे अगर चलकर देखेंगे, यहाँ पर वटाश्व निम्ब का, यहाँ पर इसी में अगर हम देखेंगे, यहीं पर कहीं ना कहीं वो वर्ड छिपा है, जहाँ पर ये पता चलेगा ये इसमें कौन सा अक्षर है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिया गया है 4, 5, 6, 7। तो आपका जो यहाँ पर सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 6। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे आपके लिए अगला क्वेश्चन है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, विजाति पद का चयन कीजिए। यानी विजाति मतलब इसमें ये कहा गया है कि इसमें तीन तो ऐसे रहेंगे जो मिलते जुलते रहेंगे, लेकिन एक ऐसा रहेगा जो उन तीनों से भिन्न रहेगा। इसमें पहला ऑप्शन लूता, दूसरा ऑप्शन एला, तीसरा ऑप्शन लवंगम और चौथा ऑप्शन मधुरिका। तो ये जो तीन है सी बी और डी, यानी एला मधुरिका लवंगम, ये तीनों ही क्या हैं, एक तरह से मसालों का रूप है। लवंगम मतलब लौंग होता है, एला मतलब इलायची होता है, मधुरिका ये भी कोई है, इसके बारे में नहीं पता। तो यहाँ पर जो लूता है, लूता आपका ये अलग है, ठीक, क्योंकि ये मसालों में इसको नहीं गिना जाता, इसलिए यहाँ पर जो लूता है ये आपका सही आंसर होगा। ठीक, ये लूता, ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 64, चतुर्शतकम संख्या है। ये चतुर्शतकम संख्या पूछा गया है, ऑप्शन में है 304, 430, 43, 34। इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है आपका 34, ये आपका सही विकल्प होगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, अभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार है। यहाँ पर अभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार दिया है, पूछा गया है कि अभ्यंतर प्रयत्न के कितने प्रकार होते हैं। तो आपके जो ऑप्शन दिया गया है 5, 2, 4, 3, यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा 5। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 में दिया गया उपेंद्र पद का संधि विच्छेद है। उपेंद्र पद का संधि विच्छेद पहला दिया गया है उपधनेन्द्र, दूसरा उपधनेन्द्र, तीसरा दिया उपाधन इंद्र, चौथा है उपधन इंद्र। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है उपधन इंद्र, ये आपका सही विकल्प होगा। ठीक है, इसी क्रम में आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है सकार का सकार से योग होने पर क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो पता नहीं कहाँ से उठाकर दे देते हैं। तो यहाँ पर पूछा है सकार का सकार से योग होने पर क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन दिया गया है ए है सकार का रेप हो जाता है, ऑप्शन बी है सकार का सकार हो जाता है, सकार का सकार हो जाता है, ऑप्शन सी है सकार का विसर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर जो 67 आंसर होगा सकार का सकार हो जाता है, यानी वही होगा जो यहाँ पर ऊपर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 68, भूतपूर्व इस पद का विग्रह होगा। भूतपूर्व पद का इसमें पूछा गया है विग्रह होगा, तो देखते हैं भूतपूर्व का विग्रह में कौन कौन ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन आपके दिया गया है पूर्वे भूत, पूर्व भूत, पूर्वस्य भूत, पूर्वाद भूत। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा ये होगा पूर्व भूत, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। भूतपूर्व का पद विग्रह क्या होगा, पूर्व भूत। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 69, यहाँ पर दिया गया है हरे रोचते भक्ति,
हरे रोचते भक्ति, वाक्य में हरे पद विभक्ति है। इसमें देखिए दोस्तों, जो विभक्ति कुल संस्कृत में कुल 7 प्रकार विभक्ति माने गए हैं, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति। एक होता है और संबोधन, लेकिन संबोधन को इसमें संस्कृत नहीं गिनाया, तो वो हिंदी में आता है। तो यहाँ पर पूछा है कि हरे रोच के विभक्ति वाक्य में हरे पद विभक्ति है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ और जान लीजिए कि जो भी चतुर्थी विभक्ति, खास कर अगर हम कहें तो चतुर्थी विभक्ति में जितने भी भक्ति नाम के या स्वाहा नाम के, चाहे जो भी हो, यानी भगवान से जो अगर वो उसका संबंध रहता है, तो वो आपका चतुर्थी विभक्ति होगा। तो यहाँ पर हरे रोचते भक्ति यहाँ पर दिया गया है, तो ये आपका जो सही आंसर क्या होगा, ये होगा चतुर्थी विभक्ति। ठीक, तो आपका सही आंसर होगा चतुर्थी। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 70, परिमाण मात्रा में कौन सी विभक्ति होती है। देखिए यहाँ पर परिमाण दे दिया है, तो परिमाण मात्रा में विभक्ति होगी यहाँ पर प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी परिमाण मात्रा में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। व्यायाम शरीरम स्वस्थ भवति वाक्य रेखांकित पद में प्रयुक्त कारक है। देखिए दोस्तों, कारक कारक का मैं एक अलग अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें जितने भी कारक हैं उनके सबको मैं अलग से डिफाइन कर दूंगा यूट्यूब पर लाइव आकर, तो वहां पर आप समझ जाएंगे कारक। फिलहाल यहां पर केवल देख लीजिए कि कारक जो होते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे उसके आंसर देख लीजिए। व्यायाम शरीरम स्वस्थ भवति वाक्य रेखांकित पद में प्रयुक्त कारक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है कर्म कारक, दूसरा करण कारक, तीसरा संप्रदान कारक, चौथा अपादान कारक। तो यहाँ पर जिसका सही आंसर होगा वो होगा करण कारक। करण कारक अगर परिभाषा देखा जाए तो करण कारक क्या होता है कि जिस साधन के द्वारा कोई कार्य, किसी कार्य की पूर्ति होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, करण कारक होता है। इसका चिन्ह होता है से। और वहाँ पर अगर देखा जाए, एक दूसरा ऑप्शन दिया गया अपादान, अपादान का भी चिन्ह होता है से, लेकिन ये तब तब माना जाएगा जब जब कहाँ जब कहीं पर किसी वाक्य में अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो। लेकिन यहाँ पर दिया गया व्यायाम शरीरम स्वस्थ भवति, यानी व्यायाम करने से शरीर क्या रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है। यानी जो शरीर का जो कार्य किया जा रहा है वो किसके द्वारा पूरा हो रहा है, वो व्यायाम करने से हो रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये करण कारक होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। 72 क्वेश्चन है। नव पलाश पलाशवन में अलंकार है। तो यहाँ पर आप नाम से ही जान जाएंगे, नव पलाश पलाशवन, यानी यहाँ पर पलाश 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 2 बार आया है। तो जिस किसी वाक्य में किसी शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है, लेकिन दोनों ही शब्दों का अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे, वहाँ पर होता है यमक अलंकार। लेकिन यहाँ पर आपके ऑप्शन दिया गया श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पर पलाश पलाश 2 बार आया, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये यमक अलंकार होगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ। 73 तस्मे पद का विभक्ति एवं वचन है। क्वेश्चन नंबर 73 है, तस्मे पद का विभक्ति एवं वचन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, चतुर्थी एक वचन। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 74। अकथितम च सूत्र के अंदर कितने द्विकर्मक धातुएं होती हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिया गया है 16, 14, 13 और 10। तो जो इसका सही आंसर होगा मित्र, यहाँ पर होगा 16, यानी अकथितम च सूत्र के अंदर कितनी द्विकर्मक धातुएं होती हैं, वो 16 प्रकार की मानी गई हैं। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है 75। संप्रति वायु प्रदूषण से दूरीकरणा नगरे उद्यानम आवश्यकम वाक्य में अव्यय पूछा गया। यहाँ पर अव्यय पूछा गया है कि इसमें इस पद में अव्यय कौन सा है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, पहले विकल्प तरफ, पहला विकल्प दिया है दूरीकरणा, दूसरा दिया गया नगरे, तीसरा दिया आवश्यकम और चौथा दिया गया है संप्रति। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा संप्रति, यानी संप्रति एक तरह का अव्यय है। अव्यय मतलब एक तरह से नगण्य माना जाता है, इसका कहीं पर उतना प्रयोग नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 76 है। जानही ज्ञा धातु का रूप होता है। तो आइए देखते हैं जानही ज्ञा धातु में रूप कौन सा होता है। पहला दिया गया लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, दूसरा दिया गया लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, तीसरा दिया गया लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, चौथा दिया गया रिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में। तो जिसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 76 का सी,
यानी लोट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। लोट लकार मतलब होता है आज्ञार्थक के कार्य में, जहाँ पर आज्ञा दिया जाए तो वहाँ पर लोट लकार होगा। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष एकवचन होगा, यानी ज्ञान ही ज्ञा धातु का रूप कौन सा होगा, वो लोट लकार प्रथम पुरुष एकवचन होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्रिया में वर्तमान कालीन निरंतरता घोषित करने के लिए प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय हैं। क्रिया में वर्तमान का निरंतरता घोषित करने के लिए प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया है कत्व, दूसरा है जुमरी, तीसरा है कत, तीसरा लास्ट वाला है सत्री। तो यहाँ पर जो आपका सही विकल्प होगा वो क्या होगा, वो होगा सत्री। ठीक, आगे आगे चलते हैं। आगे अब यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 78, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 78। हाँ, यहाँ पर मया राम दृश्यते पूछा, वाक्य का वाच्य परिवर्तन करने पर वाक्य होगा। मया राम दृश्यते का वाच्य परिवर्तन करने पर क्या होगा, इसमें पहला ऑप्शन दिया गया अहम रामम पश्यामि, दूसरा है बी अहम रामम पश्यामि, तीसरा है अहम रामम दर्शयामि और चौथा है मया राम पश्यामि। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर 78 का, अहम रामम पश्यामि, यानी इसका अगर हम मया राम दृश्यते इसका अगर हम वाच्य वर्तन कर ले तो यहाँ पर अहम राम पश्यामि होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। 79 है, मैं मुख से बोलता हूँ को वाक्य का अनुवाद होगा। तो देखिए इसमें यहाँ पर संस्कृत में अगर आपको शब्द रूप धातु रूप के सभी पांचों लकार अगर पता रहेंगे तभी आप इसे कर पाएंगे, अन्यथा इसको रट्टा मारना होगा। फिलहाल यहाँ पर देख लीजिए, मैं मुख से बोलता हूँ वाक्य का अनुवाद होगा। यहाँ पर अहम मुखम वदामि, अहम मुखम वदति, अहम मुखेन वदिष्यामि, अहम मुखेन वदामि। यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा अहम मुखेन वदामि, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, अहम मुखेन वदामि। आगे चलते हैं मित्रों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। संस्कृत वाक्य में संस्कृत काव्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर देखिए कुछ पेडोगाजी क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है। अभी तक तो संस्कृत व्याकरण हम चल रहे थे, अब चल रहे हैं पेडोगाजी में, करीब 10 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर पहला पेडोगाजी के यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया, संस्कृत काव्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर संस्कृत काव्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं, इसमें पूछे, यानी तीन विकल्प ऐसे रहेंगे जिसमें शिक्षण का उद्देश्य है, लेकिन एक विकल्प रहेगा इसमें कि काव्य को पढ़ने पर वो उसका शिक्षण का उद्देश्य नहीं रहेगा। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया गया रसानुभूति करना। तो अगर आप थोड़ा सा भी शिक्षण ज्ञान रखते हैं तो वहाँ पर समझ में आ जाएगा, अगर हम संस्कृत काव्य पढ़ रहे हैं तो संस्कृत काव्य में रसानुभूति होता है, क्योंकि अगर हम संस्कृत काव्य का अध्ययन करेंगे वहाँ पर जब तक रस की अनुभूति नहीं होगी तब तक हम उसमें रोचकता नहीं दिखा सकते। ठीक है, उसी प्रकार अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं, अगला विकल्प शब्द भंडार वृद्धि करना। और इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर सी, कविता के उद्धांत भावों का विकास करना। फिर ऑप्शन नंबर डी लास्ट वाला है, गति यति लय एवं भाव के अनुसार श्लोक पाठ करना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर रसानुभूति करना, कविता के उद्धांत भावों का विकास करना और गति यति लय, यानी ये तीनों तीनों विकल्प ए बी सी डी, इसमें कविता का अगर हम उच्चारण करेंगे तो यहाँ पर ये तीनों दिखाई देंगे, लेकिन ये शब्द भंडार वृद्धि करना ये आपके आ जाएंगे गद्य शिक्षण में, न कि काव्य शिक्षण में। इसलिए जो इसका सही विकल्प होगा वो होगा शब्द भंडार में वृद्धि करना। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ पर दिया गया गद्य शिक्षण में किसका विशेष महत्व नहीं है। यहाँ पर गद्य शिक्षण में विशेष महत्व नहीं है किसका, वो ये पूछा गया है। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है अनुकरण वाचन करना, यानी गद्य शिक्षण में अगर हम करेंगे तो अनुकरण वाचन स्वाभाविक सी बात है, इसमें अनुकरण वाचन रहेगा ही। इसके अलावा विचार विश्लेषण का, अगला है काठिन्य निवारण का और लास्ट वाला ऑप्शन है लय युक्त सस्वर वाचन का। दोस्तों अभी आपने ऊपर देखा होगा सस्वर वाचन वहाँ पर भी आया था, तो यहाँ पर जो सस्वर वाचन होता है लय सस्वर वाचन, ये हम काव्य शिक्षण में करते हैं न कि गद्य शिक्षण में। इसलिए यहाँ पर जो आपका ये क्वेश्चन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 81 जो लास्ट वाला ऑप्शन है यानी डी लय सस्वर वाचन, यही नहीं होगा। और बाकी अनुकरण वाचन करना ये गद्य शिक्षण की विशेषता है, इसके अलावा विचार विश्लेषण करना ये भी है, काठी निवारण करना ये भी है, इन तीनों के अलावा ये चौथा विकल्प है लय सस्वर वाचन का, यही नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन 82, श्लोक के एक एक अर्थ का अर्थ करते जाना किस प्रणाली का द्योतक है। श्लोक के एक एक पद का अर्थ करते जाना किस प्रणाली का द्योतक है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है व्याख्या प्रणाली का, ऑप्शन नंबर बी है तुलना प्रणाली का, इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी दिया गया है समीक्षा प्रणाली, और ऑप्शन नंबर डी गया है गीत एवं नाट्य प्रणाली का। तो
यहाँ पर देखिए व्याख्या प्रणाली, तुलना प्रणाली, समीक्षा प्रणाली और गीत एवं नाट प्रणाली। यहाँ पर पूछा पूछा क्या गया दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया था श्लोक के एक एक पद का अर्थ करते जाना किस प्रणाली का द्योतक है, यहाँ पर होगा व्याख्या प्रणाली का। ठीक, यहाँ पर क्या होगा व्याख्या प्रणाली का। ठीक, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संस्कृत भाषा में कहानी शिक्षण करते समय शिक्षक को बचना चाहिए, यानी पूछा गया संस्कृत भाषा में कहानी कहानी को अगर शिक्षक समझा रहे हैं तो वहाँ पर उससे किस प्रकार से कैसे बचना चाहिए, यहाँ पर दिया गया है विकल्प में, विकल्प में दिया गया है एक मिनट। ऑप्शन नंबर ए है चित्र चित्र या मुखौटों के प्रयोग से, ऑप्शन नंबर बी है वार्तालाप से, ऑप्शन नंबर सी है हाव भाव प्रदर्शन से, ऑप्शन नंबर डी है पुस्तक प्रयोग से। तो दोस्तों यही होगा पुस्तक के प्रयोग से, यानी एक अध्यापक अगर संस्कृत पढ़ा रहा है और कवि और कहानियों कहानियों को बता रहा है, किसी भी कहानी को बता रहा है, तो कहानी में क्या होगा चित्र या मुखौटा तो होगा ही निश्चित ही, और आप छात्रों से वार्तालाप भी करेगा और हाव भाव हाव भाव मतलब जैसे हाथ हिलाट उलटता है उस प्रकार से हाव भाव चेहरे का भाव कैसा होगा ये बताएगा, लेकिन यहाँ पर पुस्तक का प्रयोग नहीं, क्योंकि उसे अध्यापक क्या करना चाहिए पुस्तक के प्रयोग से बचना चाहिए यहाँ पर, अगर खासकर कहानी को वर्णन कर रहा है तब। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया 84 फ्लैश कार्ड शिक्षण अधिगम सामग्री है, कल इसके बारे में मैंने चर्चा की थी, फ्लैश कार्ड बताया था, फ्लैश कार्ड बारे में ये क्या होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर फ्लैश कार्ड एक तरह से दृश्य सामग्री होती है, इसमें हमें आवाज़ें सुनाई नहीं केवल हमें दिखाई देती हैं, तो कौन सी होती है वो होती है दृश्य सामग्री। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है, सालमली वृक्ष का वर्णन, तो यहाँ पर ये होगा इसका रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, शिवराज बीजम, कादम्बरी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा किरातार्जुनीयम। ठीक ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया है पुत्र प्राप्ति की कामना से राजा दिलीप, राजा दिलीप ने शायद आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, राजा दिलीप ने किस ऋषि के आश्रम में गो सेवा की थी, यानी एक राजा दिलीप थे उन्होंने एक ऋषि की सेवा की थी किस लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पर यह पूछा गया उस ऋषि का नाम यहाँ पूछा गया है महर्षि कश्यप, ऑप्शन दिया गया महर्षि कश्यप, आत्री, वशिष्ठ, विश्वामित्र। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा वशिष्ठ, यानी महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में इन्होंने क्या की थी राजा दिलीप ने गो सेवा की थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 तरफ। संस्कृत में प्रसिद्ध नाटककार विशाखदत्त की कृति का नाम है, देखिए कल मैंने इसके बारे में बताया था विशाखदत्त के बारे में, आज भी आ गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया हितोपदेश, मुद्रा राक्षस, शिशुपाल वधम, मृच्छकटिकम। तो विशाखदत्त की जो कृति है वो कौन सी होती है, वो होती है मुद्रा राक्षस। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 है मनुस्मृति के अनुसार धर्म के लक्षण है, 88 क्वेश्चन मनुस्मृति के अनुसार धर्म के लक्षण, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए 8, उसके बाद 10, 5, 4। यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा 10। मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षण बताए हैं, 10 बताए हैं। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 89 है अनाथ परिपालम ही धर्म अस्मविधानम सुक्ति का संबंध है, यहाँ पर एक परिभाषा दिया गया है इसका, इस सुक्ति का संबंध पूछा है कि किससे दिया गया है, किससे है, सुभाषित रत्नावली, चंद्रापीठ का था, नीति सत्कम या कैराग्य सत्कम। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा चंद्रापीठ का था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन था लास्ट है अर्जुन के धनुष के नाम, ये शायद आप लोगों को पता होगा, इसका आंसर मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। आप लोगों ने महाभारत अगर देखा होगा तो वहाँ पर अर्जुन को आप लोग जानते होंगे किसके पुत्र से, कुंती के पुत्र से। यहाँ पर पूछा गया अर्जुन के धनुष का क्या नाम है, यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया पावजन्य, फिर गांडी, उसके बाद पाशुपत, पुष्पध्वन्य। तो दोस्तों अर्जुन के धनुष क्या नाम था ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, उसके बाद कल मैं इसके बारे में बता दूंगा। ठीक, ओके, ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।